कठोर तपस्या करके परम पिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वर मांग लिया था कि उसे कोई भी देवता, दैत्य, नाग और यक्ष ना मार सके। इस वरदान को पाने के बाद रावण बड़ा ही अहंकारी हो गया था और एक दिन वह राक्षसों की सेना लेकर स्वर्ग लोक को जीतने के लिए चल पड़ा था। स्वर्ग की तरफ जाता हुआ रावण जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा तब तक रात हो गई थी, इसलिए उसने वहीं अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। उस कैलाश पर्वत की छटा इतनी मनोरम थी कि रावण देर रात तक उस छटा को निहारता रहा और उस कारण उसके मन में काम विकार पैदा हो गया था। तभी रावण की नजर आसमान से जाती हुई स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर पड़ जाती है, तो रावण उस सुंदर अप्सरा रंभा को पकड़ लेता है। रावण द्वारा पकड़े जाने पर रंभा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रावण से बहुत विनती करती है कि वह उसे छोड़ दे, परंतु रावण उसे नहीं छोड़ता है और उसे अपने साथ समागम करने के लिए कहता है। रावण की यह इच्छा जानकर रंभा उससे कहती है कि मैं आपके पुत्र वधु के समान हूँ, मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म आप कैसे कर सकते हैं। रावण जब रंभा के मुंह से पुत्र वधु होने की बात सुनता है तो वह चौंक पड़ता है और वह उससे पूछता है कि तुम मेरी पुत्र वधु किस प्रकार हुई। तब रंभा रावण को बताती है कि वह रावण के बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से प्रेम करती है और इस समय वह उसी के पास जा रही है। रंभा की बात सुनकर रावण कहता है कि यह रिश्ते नाते उन स्त्रियों पर लागू होते हैं जो स्त्रियां किसी एक पुरुष की पत्नी होती हैं। अप्सराओं का कोई पति नहीं होता है। यह कहकर रावण जबरन रंभा के साथ समागम कर लेता है। उसके बाद जब रंभा नल कुबेर के पास जाती है तो उसके सामने रोती हुई रावण की सारी करतूत बताती है। रंभा की बात सुनकर नल कुबेर बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और रावण को यह श्राप दे देता है कि आज के बाद रावण किसी भी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर पाएगा। यदि वह किसी के साथ भी जो जबरदस्ती करेगा तो उसके सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। यह दुराचारी रावण अक्सर देवताओं, नाग और मनुष्यों की सुंदर कन्याओं को अपने बल से उठाकर ले जाया करता था और उन्हें अपने महल में रख लिया करता था। फिर कोई कन्या रावण को अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेती थी और जो रावण को स्वीकार नहीं करती थी, रावण उन कन्याओं के साथ जबरन समागम करा करता था। परंतु जब रावण को नल कुबेर द्वारा दिए हुए शाप का पता चलता है तब रावण ने उन कन्याओं के साथ जबरदस्ती करना छोड़ दिया था।